गुस्ताखे नबी का बैकाट करोगे, गुस्ताखे साहबा का बैकाट करोगे। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मल्ला नबिया बादा अम्मा बादु फाऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व खातमन नबीजीन। وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا। وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي। صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। واجب الاحترام علماء کرام سربکف سرفروش مجاہد موحد गैरतमंद दोस्तों साथियों और बुजुर्गों, कराची शमसी कॉलोनी और गिरदोनवा से तशरीफ लाने वाले मेरे हर दिल अजीज दोस्तों और साथियों, स्टेज पर मौजूद उलमाए किराम, मौज़ज़ीन इलाका, अमायदीन शहर, आज एक बार फिर आपके इस इलाके की होने वाली पैगंबर इनकलाब के उनवान से मानवन इस बावकार कॉन्फ्रेंस में आप हज़रात से मुखातिब होने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले इस खूबसूरत कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर कायदे कोरंगी फाजिल नौजवान सैयद अब्दुल राफे शाह बुखारी दामत बरकातुहुल आलिया, हजरत मौलाना सलीमुल्लाह साहब, मौलाना माज साहब, मौलाना सईद साहब और इनकी पूरी टीम को, टाउन के जिम्मेदारों को, हल्के के जिम्मेदारों को, तमाम वर्करों और कारकुनों को खराज तहसीन पेश करता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ, दुआगो हूँ
अल्लाह ताला उनकी इस मेहनत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। उलमाए किराम, खुतबा इज़ाम, बहुत खूबसूरत गुफ्तगु आप हज़रात के सामने फरमा चुके हैं। बिलखुसूस कायदे के पी के हज़रत अल्लामा अता मोहम्मद दिशानी साहब, इस्लामाबाद से तशरीफ़ लाए हुए मौलाना अब्दुर्रहमान माविया साहब और कायदे कराची अल्लामा रबनवाज हनफी साहब, आप हज़रात के सामने अपने अपने ख्यालात का इजहार फरमा चुके हैं। मैं भी आपका ज़्यादा वक्त तो नहीं लूँगा, लेकिन बहुत थोड़ा वक्त भी नहीं लूँगा। अगर आपके तवज्जो मेरी तरफ रही तो कुछ गुजारशात आपके गोश गुजार इसलिए भी करना चाहूँगा कि बहुत सारे अहल इलाका और आम जलसों से हटकर लोग यहाँ आए हुए हैं। मैं चाहता हूँ उन्हें अपना नुक्ते नज़र और नुक्ते निगाह उनके सामने रख कर उन्हें दावत दूँ कि जिस नजरिए और खास के लिए हम काम कर रहे हैं इसे समझिए, और अगर ये समझ में आ जाए तो फिर इस पर साथ दीजिए और हमारे साथ चलिए। हमारी जंग, हमारी जद्दोजहद और हमारी ये कोशिश और काविश ज़ात के लिए नहीं है, अफराद के लिए नहीं है, शख्सियात के लिए नहीं है, ओहदों और मनसब के लिए नहीं है, वजारत के लिए नहीं है, हुकूमत के लिए नहीं है, इख्तदार के लिए नहीं है, इख्तियारात के लिए नहीं है, बल्कि हमारी जंग असहाब रसूल की इज्जत और नामूस की है। और वो इज्जत और नामूस की जंग हम इसलिए लड़ रहे हैं कि अगर सहाबा किराम की इज्जत और नामूस महफूज नहीं है तो फिर किसी की भी इज्जत और नामूस महफूज नहीं होगी। अगर सहाबा किराम का एहतराम नहीं है तो फिर किसी का भी एहतराम नहीं होगा। और एक बात इसी हवाले से आपको समझाने की गर्ज से इब्तदाई में मैं आपसे कह देना चाहता हूँ, वो ये है कि अगर एहतराम वाली शख्सियात सहाबा नहीं है तो फिर दुनिया में एहतराम वाली शख्सियात कोई है ही नहीं। अगर इज्जत के काबिल सहाबा नहीं है तो फिर इज्जत के काबिल दुनिया का कोई फर्द है ही नहीं। और अगर ईमान और इस्लाम की रोशनी और सच्चाई सहाबा नहीं है तो फिर दुनिया में मोमिन और मुसलमान कोई है ही नहीं। अगर पैगंबर अलैहिस्सलाम से पढ़ने वाले और आपके साथ बैठने वाले और आपकी दावत पर लब्बैक कहने वाले और आपकी बात पर आगे बढ़ने वाले और रसूलुल्लाह की सीरत और सूरत का पहरा देने वाले, कुरान हकीम को अपने हाथों से लिखने वाले, रसूलुल्लाह की जिंदगी को अपनी जिंदगी में लाने वाले, पैगंबर के फरामीन के मुताबिक अपनी जिंदगी को ढा लेने वाले भी अगर ठीक नहीं है तो दुनिया में फिर ठीक शख्स कोई पैदा ही नहीं हुआ है। और अगर मोमिनों के सब में वो मोमिन नहीं है तो फिर मोमिन भी कोई नहीं है। मुसलमानों के लहजे में अगर वो मुसलमान नहीं है तो फिर मुसलमान भी कोई नहीं है। और मैं अगली बात भी इसके साथ मिलाते हुए तीसरा जुमला भी कह देना चाहता हूँ, अगर वो ठीक नहीं है तो फिर कलमा भी ठीक नहीं है, अगर वो ठीक नहीं है तो फिर कुरान भी ठीक नहीं है, अगर वो ठीक नहीं है तो फिर इस्लाम भी ठीक नहीं है, अगर वो ठीक नहीं है तो फिर आज का मुसलमान भी ठीक नहीं है, और अगर वो ठीक नहीं है तो फिर दीन इस्लाम का ठीक होना मुमकिन ही नहीं हो सकता। इसलिए अगर एहतराम चाहते हो तो उनका एहतराम करना पड़ेगा, इज्जत चाहते हो तो उनकी इज्जत करनी पड़ेगी, मोमिन रहना चाहते हो तो उनको मोमिन मानना पड़ेगा। कुरान, सुन्नत, हदीस, तौहीद, रिसालत, अब्दियत और जनाब दीन और शरीयत को मानना चाहते हो तो उन्हें मानना पड़ेगा, अगर उन्हें नहीं मानोगे तो दीन की कोई एक चीज भी बाकी नहीं रह सकती। ये कोई बात जज्बाती नहीं है, ये कोई खतीब की खिताबत की बात नहीं है, ये किसी जलसे को रौनक बख्शने की बात नहीं है, ये वो हकायक पर मबनी उनवान है
जिसके इनकार दुनिया को कोई फर्द नहीं कर सकता, इसलिए कि उम्मत और नबी के दरमियान एक वास्ता है, उम्मत और नबी के दरमियान एक रास्ता है, नबी और उम्मत के दरमियान एक सिलसिला है, उस रास्ते उस सिलसिले उस तवस्सुत उस रास्ते का नाम सहाबाए किराम है। अगर दरमियान से ये हट जाए तो नबूवत तक ये सिलसिला पहुंच नहीं सकता, और अगर नबूवत तक नहीं पहुंच सकता तो नबूवत से दीन उम्मत तक नहीं पहुंच सकता। उम्मत और नबूवत के दरमियान इस वास्ते से ये दीन उम्मत तक पहुंचाए, लिहाजा उम्मत के हर फर्द की ये जिम्मेदारी बनती है कि इस वास्ते और इस रास्ते पर पहरा देकर इनकी हिफाजत करे, ताकि कोई बदकमाश कोई बदफितरत कोई गलत इंसान कोई गलत तबका कोई गलत काम कोई गलत नजरिया इनकी तोहीन करके इस्लाम की इमारत को गिरा ना सके। लिहाजा फर्ज बनता है इनके इस दर पर हमें पहरा देना चाहिए, और इनके दर इनके दरवाजे पर पहरा देना दर हकीकत इनका पहरा नहीं है, सहाबाए किराम की इज्जत और नामूस दीन और इस्लाम पर पहरा देना, ये तोहीन पर पहरा देना है, ये रिसालत पर पहरा देना है, ये कलमे पर पहरा देना है, ये नमाज और इबादत पर पहरा देना है, ये दीन और इस्लाम पर पहरा देना है, ये कुरान पर पहरा देना है, ये दुनिया की जिंदगियों पर पहरा देना है, ये दीन की बका का पहरा है, ये दीन की अहमियत का पहरा है। ये पहरा देकर हम दुनिया को बता रहे हैं हम रास्ता बचा रहे, हम वास्ता बचा रहे, हम सिलसिला बचा रहे, सिराते मुस्तकीम बचा रहे हैं, हिदायत का जरिया बचा रहे हैं, हिदायत के चराग बचा रहे हैं, हिदायत की रोशनियां बचा रहे हैं, हिदायत की किरणें बचा रहे हैं। और अगर हिदायत की ये रोशनी सहाबा की सूरत वाली न रही, ये किरणें न रही, ये शुआए न रही, ये रोशनी न रही, ये इल्म न रहा, तो पूरी दुनिया में सवाए जहालत के कुछ नहीं रहेगा। मैंने बड़े सादा से और आम फहम से अल्फाज में और जुमलों में आपको बात समझाने की कोशिश की है, अल्लाह करे आपको बात समझ में आए और आपके दिल में बात उतरे, लेकिन मेरी बात को समझने के लिए सिर्फ आंखें खुली रखना जरूरी नहीं है, सिर्फ मेरी तरफ देखना जरूरी नहीं है, बल्कि दिल के दरीचे खोल कर बैठना जरूरी है, ताकि ये बात आपके दिल में जाए और दिल में जम जाए, ये बात बात ही ना रहे बल्कि ये बात दिल बन जाए। तो क्या दिल के दरीचों से मुतवज्जे हो या नहीं हो? कुछ को यह आवाज नहीं आई या उनके हाथ बहुत भारी है? क्या दिल से मुतवज्जे हो या नहीं हो? मैंने कहा कुछ को आवाज नहीं आई या उनके हाथ बहुत भारी है, जो शायद उनकी ताकत से उठ नहीं सकते और जो अपना हाथ नहीं उठा सकता वो बाकी क्या कर लेगा। मैं जुमला फिर दोहरा देता हूं, जो अपना हाथ नहीं उठा सकता वो बाकी क्या कर लेगा। मैं अपने जुमले को तीसरी मर्तबा दोहरा रहा हूं, जो अपना हाथ नहीं उठा सकता और क्या उठा लेगा। जज़ाकअल्लाह। तवज्जो है आपके पीछे लगे हुए पेनाफ्लेक्स पर एक उन्वान लिखा हुआ है और वह है पैगंबर इनकलाब, और पैगंबर इनकलाब के साथ एक और उन्वान का इजाफा किया है और वो है अजमत सहाबा। मैंने कहा आपने बात बहुत अच्छी लिखी है, लेकिन दूसरी बात लिखने की जरूरत थी नहीं। किसी ने कहा क्यों नहीं थी? मैंने कहा इसलिए नहीं थी, जब पैगंबर इनकलाब कह दिया तो अजमत सहाबा उसके अंदर आ गई। पैगंबर इनकलाब के जुमले के अंदर अजमत साहबा मौजूद है। किसी ने कहा अजमत साहबा कौन से जुमले में है? मैंने कहा अजमत साहबा लफ्ज इनकलाब में है। पैगंबर के बाद जो इनकलाब आया है ये इनकलाब कोई और नहीं है, इसी इनकलाब को साहबा कहते हैं। ये बात कोई और बात नहीं है, इसी बात को साहबा कहते हैं। ये उनवान कोई और नहीं है, इसी उनवान को साहबा कहते हैं। ये कलाम कोई और नहीं है, इसी कलाम को साहबा कहते हैं। ये नजरिया
नजरिया कोई और नहीं है, इसी नजरिए को सहाबा कहते हैं। और पैगंबर की मेहनत से और नबी की तबलीग से और पैगंबर की दावत से और नबी के अमल से और नबी के अकवाल से और पैगंबर के फेल से और नबी के कलाम से और पैगंबर की तबलीग से और नबी के दर से और नबी के वास से और नबी की तकरीर से और नबी के बयान से और नबी के बयानिया से और नबी की दावत से और पैगंबर के बुलाने से और नबी की सदाओं से और नबी की अदाओं से जो लोग बदल कर नबी के पास आए हैं उन तकरीरों को सुनकर जिनके अंदर गैरत हमीयत जोश जज्बा पैदा हुआ है, जिनकी बात सुनकर जिनके रुख बदले हैं, जिनकी बात सुनकर जिनकी अदाएं बदली हैं, जिनकी बात सुनकर जिनके अकवाल और फेल बदले हैं, मिजाज व अखलाक बदले हैं, किरदार और गुफ्तार बदले हैं, तर्ज जिंदगी बदली है, माईशत बदली है, माशरत बदली है, तरीकत बदली है, सुन्नत बदली है, रस्म और रिवाज बदले हैं, सदाकत और दियानत और अमानत और शराफत जिन्हें मिली है, अज़्म और हिम्मत और जुर्रत और बहादुरी और दलेरी जिन्हें मिली है, और जो पैगंबर की आवाज और अदा तबलीग से बदल कर सिद्दीक बन गए हैं, फारूक बन गए हैं, गनी बन गए हैं, कर्रार बन गए हैं, अज़म के निशान बन गए हैं, आसमान के सितारे बन गए हैं, मुनव्वर हो गए हैं, नूरी हो गए हैं, नूरानी हो गए हैं, कामी हो गए हैं, एम हो गए हैं, बुलंद हो गए हैं, बाला हो गए हैं, अरे मोहतरम हो गए हैं, मोहतशब हो गए हैं, दो बाला हो गए हैं, आला हो गए हैं, अरफा हो गए हैं, कामिल हो गए हैं, अकमल हो गए हैं, बुलंदी पे पहुंच गए हैं, शोहरत पा गए हैं, अरे मोमिन हो गए हैं, मुत्तकी हो गए हैं, परहेजगार हो गए हैं, रुकमान हो गए हैं, सुज्जदर हो गए हैं, साजदूर हो गए हैं, राकिऊ हो गए हैं, कायमून हो गए हैं, साइहून हो गए हैं, यब्तगून फज़लन मिन अल्लाह हो गए हैं, रिज़वाना हो गए हैं, मुफ्लिहून हो गए हैं, मोमिनून हो गए हैं, मुत्तकून हो गए हैं, राशिदून हो गए हैं, फाइजून हो गए हैं, लहू मग़फिरतुन हो गए हैं, रिज़्क़ुन करीम हो गए हैं, वुसअत का निशान हो गए हैं, रहमत का निशान हो गए हैं, हिदायत का चराग हो गए हैं, हिदायत की रोशनी हो गए हैं, हिदायत की किरणें हो गए हैं, हिदायत की शुआएं हो गए हैं, हिदायत की शम्में हो गए हैं, हिदायत की आवाजें हो गए हैं, हिदायत की तस्वीरें हो गए हैं, अजनबूफत की आवाज तस्वीर बन गए हैं, तसव्वुर बन गए हैं, मुजस्मा बन गए हैं, खल्क बन गए हैं, इशारा बन गए हैं, आबरू बन गए हैं, इज्जत बन गए हैं, अरे मुझसे सुनता क्यों नहीं हो शमशी कालूनी के लोगों, यही तो इस्लाम बन गए हैं, ईकान बन गए हैं, अकीदा बन गए हैं, नजरिया बन गए हैं, सोच बन गए हैं, फिक्र बन गए हैं, अंदाजे बन गए हैं, अरे सुनता क्यों नहीं हो कलमे की सदा बन गए हैं, आजाद आजाद बन गए हैं, मीनारे बन गए हैं, मस्जिदे बन गए हैं, दावत बन गए हैं, तरीक बन गए हैं, तुरक बन गए हैं, सलसल बन गए हैं, तसलसल बन गए हैं, अंदाज बन गए हैं, अंदाजे बन गए हैं, बयानिये बन गए हैं, बयान बन गए हैं, मुजस्मा बन गए हैं, सूरत बन गए हैं, मिसल बन गए हैं, मयार बन गए हैं, मेमार बन गए हैं, असास बन गए हैं, बुनियाद बन गए हैं, आगाज बन गए हैं, उरूज बन गए हैं, इज्जत बन गए हैं, अजमत बन गए हैं, सितारों की तरह चमकदार हो गए हैं, रोशन हो गए हैं, बुलंद हो गए हैं, कहने वाले ने कहा क्या हो गए, क्या हो गए, क्या हो गए, मैंने जवाब कहा यही तो रज़ी अल्लाह अन्हु व रसूलुहू हो गए हैं। बस जब हाथ खड़ा हो जाए तो फिर आप बैठ जाएं। बात समझ आई या नहीं आई? अब भी नहीं आई तो कब आएगी? मैंने तो सांस भी नहीं लिया आपकी मोहब्बत में। कह दो सुभान अल्लाह। हमारा उनवान समझो, हमारी बात समझो, तनकीद मत करो, ताने मत दो। अगर हमारा काम पसंद नहीं है तुम कर लो, एतराज मत करो,
تنقید مت کرو ہمارا انداز پسند نہیں ہے تو کرو مگر دفاع صحابہ تو کرو مدح صحابہ تو کرو تعریف صحابہ تو کرو اوصاف صحابہ تو بیان کرو تبلیغ صحابہ تو بتاؤ جہاد صحابہ تو بتاؤ نماز صحابہ تو بتاؤ ارکان صحابہ تو بتاؤ حمیت صحابہ تو بتاؤ غیرت صحابہ تو بتاؤ جرت صحابہ تو بتاؤ ایقان صحابہ تو بتاؤ اعلان صحابہ تو بتاؤ افکار صحابہ تو بتاؤ خیالات صحابہ تو بتاؤ کردار صحابہ تو بتاؤ آواز صحابہ تو بتاؤ انداز صحابہ تو بتاؤ میدان صحابہ تو بتاؤ کام صحابہ تو بتاؤ پیغام صحابہ تو بتاؤ مکہ تو بتاؤ مدینہ جانا تو بتاؤ ارے بدر کا مجاہد تو بتاؤ بدر کا سپاہی تو بتاؤ سالار تو بتاؤ خیمہ تو بتاؤ دعا تو بتاؤ الفاظ تو بتاؤ جملہ تو بتاؤ حدیث تو سناؤ قرآن تو سناؤ میری بات نہیں کرتے نہ کر محمد کے یاروں کو قرآن میں تو بتاؤ حدیث میں تو بتاؤ بخاری میں تو بتاؤ مسلم میں تو بتاؤ ترمذی میں تو بتاؤ نسائی میں تو بتاؤ ابو داؤد شریف میں تو بتاؤ الفاظوں میں بتاؤ جملوں میں بتاؤ اور بدر تو بتاؤ اور تو بتاؤ خیبر تو بتاؤ تبوک تو بتاؤ غزوات تو بتاؤ میدان میں لڑتے ہوئے جوان تو بتاؤ ان کی تلواریں تو بتاؤ تیرے تو بتاؤ نیزے تو بتاؤ کٹی گردنیں تو بتاؤ بپھرے وجود تو بتاؤ زمین پر گرے ہوئے لوگ تو بتاؤ ہاتھوں میں جھنڈا تو بتاؤ پرچم تو بتاؤ علم تو بتاؤ میرا انداز تمہیں پسند نہیں ہے چھوڑ لو تم آؤ کرو تو صحیح بتاؤ تو صحیح وہ میدانوں میں گئے کیسے تھے بولے کیسے تھے گرجے کیسے تھے بچے یتیم کیسے کیے تھے بیویاں بیوہ کیسے کی تھی اولاد کیسے چھوڑی تھی خاندان کیسے چھوڑے تھے قبیلے کیسے چھوڑے تھے آواز نبوت کو اٹھایا کیسے تھا اساس نبوت کو اٹھایا کیسے تھا پیغمبر کی حفاظت کی کیسی تھی حصار بنے کیسے تھے پیش ہوئے کیسے تھے انہیں تیر کیسے لگے تھے نیزے کیسے لگے تھے اور بتاؤ تو صحیح یہ تقدیر ان پہ لیٹے کیسے تھے چلتے انگاروں پہ چلے کیسے تھے ان کے نشانے لیے کیسے تھے ان کے جنازے ہوئے کیسے تھے اور یہ تو بتاؤ ان کے جنازے پڑھائے کس نے تھے یہ تو بتاؤ انہیں قبر میں اتارا کس نے تھا آؤ میری بات تمہیں پسند نہیں آتی تو بتا لو تم یہ تو بتاؤ ان کے نگاہوں میں کون گیا تھا ان کی شاشیاں کہاں گئی تھی میرے لیے بتاتے نہ بتاؤ یہ تو بتاؤ نبی کس کے گھر میں دولہ بن کر گئے تھے یہ تو بتاؤ اور یہ تو بتاؤ کون دولہ بن کے نبی کے گھر پہ آیا تھا بتاؤ تو صحیح نبی کے بیٹی کس کے گھر گئی تھی بتاؤ تو صحیح صدیق کی بیٹی کس کے گھر میں تھی عمر کی بیٹی کس کے گھر میں تھی سفیان کی بیٹی کس کے گھر میں تھی نہیں میری بات چھوڑ دو میرا انداز تمہیں اچھا نہیں لگتا تم بتاؤ سلو موشن سے بتا دو اسلام کے طور پہ بتا دو خانقاہ میں بتا دو ممبر پہ بتا دو مسجد میں بتا دو اجلاس میں بتا دو اجتماع میں بتا دو جلسے میں بتا دو بتاؤ تو صحیح میں نہیں کہتے ایسے بتاؤ جس طرح تم چاہتے ہو تم بتاؤ لیکن بتاتے کیوں نہیں ہو نبوت سے صحابہ جدا نہیں ہو سکتے جدا کیے نہیں جا سکتے علاقہ کیے نہیں جا سکتے جب سے نبی نے نبوت کا اعلان کیا ہے اس زمانے سے لے کر آج کے زمانے تک حضور جدا نہیں ہوئے حضور جدا نہیں ہوئے اگر رات میں صدیقہ کے پاس ہے تو دن میں صدیق کے پاس ہے رات کو حفصہ کے پاس ہے تو دن میں عمر کے پاس ہے وہ جدا ہوئے ہی نہیں وہ دنیا والوں ہو آج بھی ہو میں تمہیں نظارے دکھاتا ہوں اس زمانے سے لے کر آج تک غار میں گئے کبھی علاقہ نہیں تھے اور مزار میں گئے کبھی علاقہ نہیں ہے اور جب دنیا ختم ہوگی جنت میں جائے گی میرے محبوب نے کہا جب ہم جنت میں جائیں گے میں قبر سے نکلوں گا میرے دائیں ہاتھ میں ابو بکر ہوگا میرے بائیں ہاتھ میں عمر ہوگا نبوت کے پہلے دن سے لے کر جنت میں جانے تک میرے نبی کے ساتھ جو صحابہ تھے انہیں کیا کہتے ہیں صحابہ 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 صحابہ
आज समझ आई नहीं आई? मत बताओ, हमारे जैसे मत बताओ, लेकिन बताओ तो सही। ये है कौन बताओ? अरे इनके बगैर दीन मुकम्मल नहीं है, नमाज मुकम्मल नहीं है, कलमा मुकम्मल नहीं है, रोजा मुकम्मल नहीं है। अरे मुझसे पूछो, कुरान मुकम्मल नहीं है? कुरान की 1200 आयतें, इनकी अस्मत पे उतरी है, माफी पे उतरी है, दावे पे उतरी है, जिहाद पे उतरी है, इनके सजदों पे उतरी है, इनके ईमान पे उतरी है, इनके किरदार पे उतरी है, इश्क पे उतरी है, मोहब्बत पे उतरी है, इनकी दात पे उतरी है, नबी की फरमा बरदारी पे उतरी है, इनके चलने पे उतरी है, उतरी है, पैक पे उतरी है, मैदान पे जाने पे उतरी है, इनके जख्मी होने पे कुरान उतरा है, शहीद होने पे कुरान उतरा है, इनके सजदों पे कुरान उतरा है, कियाम पे कुरान उतरा है, रुकू में कुरान उतरा है, सुजदा करने पे कुरान उतरा है, ये लपक पड़े कुरान उतरा है, ये चल पड़े कुरान उतरा है, ये मुस्कुराए कुरान उतरा है, ये रोए कुरान उतरा है, चाचू कुरान उतरा है, वापिस आए कुरान उतरा है, शहीद हो गए कुरान बना है, ये गाजी बने कुरान उतरा है, गलती हो गई कुरान उतरा है, माफी हो गई कुरान उतरा है, मुझे कहने दो, इनके चलने पे कुरान, उठने पे कुरान, बैठने पे कुरान, बात नहीं खत्म नहीं होती है, ये घोड़ों पे बैठते हैं, घोड़ों पे बैठते हैं, घोड़ों पे बैठते हैं, ये घोड़ों की पीठ पे बैठते हैं, घोड़ों की पीठ पर बैठने के बाद घोड़ों के पांव जमीन पर लगते हैं, पांव जमीन पर लगते हैं, अल्लाह घोड़ों की पांव की कसम भी कुरान में खाता है, वला दिया सुबह फल मुरिया की कदहा फल मुगीरा की सुबह फासर नबी नखा फासर सभी जमा लिखने वालों लिखना, ये जोश की इंतहा को पहुंचते हैं, मैं हाथ खड़ा करता हूं चुप हो जाते हैं। ये नोट करना तुम्हारे लिए है, ये इतनी हमारी मांगते हैं, ये ऐसे हमारी मांगते हैं। मैंने पलट कर कहूं उस तरफ जाओ ये चल पड़ेंगे, मैं कहूं इस तरफ कहूं चल पड़ेंगे, मैं कहूं रोड पे जाओ चल पड़ेंगे, मैं कहूं बाजार में जाओ चल पड़ेंगे, मैंने कहूं वजीर आला जाओ चल पड़ेंगे, मैं गोदे हाउस पे जाओ चल पड़ेंगे, मैं कहूं पैदल इस्लामाबाद जाने ये चल पड़ेंगे, चल पड़ेंगे, चल पड़ेंगे, चल पड़ेंगे। बात समझो, आपने लिखा पैगंबर इनकलाब, वो अजमत है सहाबा, ये इनकलाब के अंदर ही है, ये इनकलाब के अंदर है, लफ्ज मेरा सुनना, ये इनकलाब के अंदर है, इनकलाब उनके अंदर है, ये इनकलाब से निकले, इनकलाब कौन से निकला है, ये इनकलाब में है, वो इनकलाब में है, इनकलाब कौन से है, वो इनकलाब से है, ये इनकलाब ही है, हाँ हाँ, यही तो बदले हैं, तभी तो अरब बदला है, यही तो बदले हैं, तभी तो अजब बदला है, यही तो बदले हैं, तभी तो अरबी बदला है, यही तो बदले हैं, तभी तो अजमी बदला है, यही तो बदले हैं, तभी तो सहरा बदले हैं, यही जो बदले हैं, तभी तो बार बदले हैं, यही जो बदले हैं, तभी तो मैदा बदला है, यही जो बदले हैं, तभी तो कुस्तुब दुनिया बदला है, यही जो बदले हैं, तभी तो रोम बदला है, यही जो बदले हैं, तभी तो फारस बदला है, यही जो बदले हैं, तभी तो शाम बदला है, यही जो बदले हैं, तभी तो सुपर पावर जीरो पावर हुआ है, यही जो बदले हैं, तभी तो दुनिया में इनकलाब
पहुंचे हैं, ये मक्का मदीना से पतली होकर निकले हैं, कायनात को बदल तक रख दिया है शमसी कालूनी वालों। आज मक्का मदीना से 200 दूर बैठे आप नबी के हुस्न को बयान कर रहे हो, जलाल को बयान कर रहे हो, जमाल को बयान कर रहे हो, वजूद को बयान कर रहे हो, रहमतों को बयान कर रहे हो, शफकतों को बयान कर रहे हो, रहमतों को बयान कर रहे हो, अज़मतों को बयान कर रहे हो, रफ़तों को बयान कर रहे हो। पूछता हूँ तुमसे, तुम क्यों बयान करते हो? जवाब आता है, उन्होंने बयान किया जिन्होंने नबूवत से सुना है, तो बदले वो थे, कायनात उनसे बदली है, तब्दील वो हुए थे, दुनिया उनसे तब्दील हुई है, सारी दुनिया में तब्दीली का सबब पैगंबर है, पैगंबर ने जिनको बदला वो सहाबा है, दुनिया तक जिनकी आवाज पहुंची वो कौन है? सहाबा 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 अल्लाह ने कहा महबूब तुझे वो दिए हैं जो किसी को नहीं दिए, किसी को नहीं दिए। मैं एक जुमला कहने लगा हूं, उलमा की मौजूदगी में लोग कहते हैं ईसा अलैहि सलाम के बाद दीन ईसवी बदल गया, लोग कहते हैं मूसा अलैहि सलाम के बाद दीन मूसवी बदल गया, लोग कहते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद दीन इब्राहिमी बदल गया, इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद दीन इस्माइली बदल गया, आदम अलैहिस्सलाम के बाद दीन आदम बदल गया, लेकिन मोहम्मद करीम के बाद दीन बदला? 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 हर नबी का इनकलाब एक वक्त के बाद खत्म हो गया, हुजूर का इनकलाब खत्म, हर नबी का इनकलाब महदूद था, हुजूर का इनकलाब महदूद, हर नबी का इनकलाब वक्ती था, हुजूर का इनकलाब वक्ती, ऊंची 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 और ऊंची। हालांकि उन नबियों के बाद नबी आए, इस नबी के बाद कोई नबी, उन नबियों के बाद नबी आए, इस नबी के बाद कोई नबी, उनके बाद नबी आए, दीन फिर भी पूरी तरह चल नहीं सका, इंकलाब पूरी दुनिया तक छा नहीं सका, इसके बाद नबी कोई नहीं आया, दीन फिर भी बदला नहीं, शरीयत फिर भी बदली नहीं। आज 1442 साल गुजर गए, 1442 साल के बाद हम वही कलमा पढ़ रहे हैं जो फारान की चोटियों पे जनाबे रसूलुल्लाह ने कहा था, कुल ला इलाहा इल्लल्लाह। ना कंप्यूटर था, ना कैमरा था, ना कलम था, ना कागज था, ना लिखने की कोई चीज थी, ना कोई तहरीर थी, ना रिकॉर्डिंग की सूरत थी, ना कोई टेप रिकॉर्ड था, ना किसी चीज के महफूज करने का कोई तरीका था, जिस जमाने में अल्फाज जुमले महफूज करने का कोई तरीका नहीं था, उस जमाने में पड़ा हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह आज दुनिया के हर कोने में गूंज रहा है, हर मोहल्ले में हो रहा है, हर घर में आवाज आ रही है। सवाल पैदा होता है 1442 साल पहले जो बात कही थी वो आज भी मौजूद है, जिस तरह नमाज पढ़ी थी वो आज भी मौजूद है, जिस तरह रुकू किया था वो आज भी मौजूद है, सजदा किया था आज भी मौजूद है। अरे बाबा मैं बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, मैं तो ये कहने लगा हूँ जिस तरह पलट कर देखा था आज भी बात मौजूद है, जैसे मुस्कुराए थे हुजूर वो आज भी मौजूद है, सुल्फों में सफेदी कितनी थी वो भी मौजूद है, दाढ़ी में बाल सफेद कितने थे ये भी मौजूद है, कदम उठे कैसे थे ये भी मौजूद है, मुस्कुराए कैसे थे ये भी मौजूद है, हंसे कैसे थे ये भी मौजूद है, उंगली कैसे उठाई थी ये भी महफूज है, बैतुल्ला में कैसे गए ये भी महफूज है, बैतुल खला में कैसे गए ये भी महफूज है, निकले कैसे ये भी महफूज है, सोए कैसे ये भी महफूज है, जागे कैसे ये भी महफूज है, जाग के क्या कहा ये भी महफूज है, सोने से पहले क्या कहा ये भी महफूज है, अरे पापा तुम्हें कह रहा हूँ ख्वाब में क्या देखा ये भी महफूज है, लफ्ज क्या निकाले वो भी महफूज है, जुमले क्या कहे वो भी महफूज है, बीवियाँ कितनी वो भी महफूज है, बेटियाँ कितनी वो भी महफूज है, रिश्ते कहाँ से हुए वो भी महफूज है, औरत आए कहाँ से वो भी महफूज है, थी कौन वो भी महफूज है, उसका बाप कौन वो भी महफूज है, उसका भाई कौन वो भी महफूज है, कबीला कौन वो भी महफूज है, हसन कौन वो भी महफूज है, नसब कौन
یہ بھی محفوظ ہے، عمر کتنی یہ بھی محفوظ ہے، لباس کیسا یہ بھی محفوظ ہے، دوپٹہ کیسا یہ بھی محفوظ ہے، آنکھ کیسی یہ بھی محفوظ ہے، لب کیسے یہ بھی محفوظ ہے، حضور اس کے پاس کتنا رہے یہ بھی محفوظ ہے، شادی کب ہوئی یہ بھی محفوظ ہے، لمحے کتنے گزارے یہ بھی محفوظ ہے، اٹھ کے بعد کیسی آئے یہ بھی محفوظ ہے، نماز پڑھائی یہ بھی محفوظ ہے، پڑھی یہ بھی محفوظ ہے، رات میں تہجد پڑھی یہ بھی محفوظ ہے، تہجد میں کیا کہا یہ بھی محفوظ ہے، سر سجدے میں ہے، سر سجدے میں ہے اور سجدے میں کیا کہا یہ بھی محفوظ ہے، یہ بھی محفوظ ہے، ارے سجدے میں کیا کہا یہ بھی محفوظ ہے، رکوع میں کیا کہا یہ بھی محفوظ ہے، پلٹ کر بات ہو گئے یہ بھی محفوظ ہے، انگلی اٹھائی یہ بھی محفوظ ہے، قدم اٹھائے یہ بھی محفوظ ہے، نگاہیں چپکی یہ بھی محفوظ ہے، آنکھ کھلے یہ بھی محفوظ ہے، لب ہلے یہ بھی محفوظ ہے، چہرے رخسار پہ لالی آئی یہ بھی محفوظ ہے، حسن کب آیا یہ بھی محفوظ ہے، پیار کب آیا یہ بھی محفوظ ہے، کس کو بلایا یہ بھی محفوظ ہے، کس کو دھتکارا یہ بھی محفوظ ہے، قریب کس کو کیا یہ بھی محفوظ ہے، دور کس کو کیا یہ بھی محفوظ ہے، مدینہ کیسے گئے یہ بھی محفوظ ہے، غار میں کیسے گئے یہ بھی محفوظ ہے، پہاڑ پہ کیسے گئے یہ بھی محفوظ ہے، رات کس کے پاس تھے یہ بھی محفوظ ہے، صبح کس کے پاس تھے یہ بھی محفوظ ہے، دوپہر کس کے پاس تھے یہ بھی محفوظ ہے، کھایا کیا یہ بھی محفوظ ہے، کھایا کیسے یہ بھی محفوظ ہے، رکوع کیسے توڑا یہ بھی محفوظ ہے، کھانے میں کیا تھا یہ بھی محفوظ ہے، پکایا کیسے تھا یہ بھی محفوظ ہے، چولہا کون سا تھا یہ بھی محفوظ ہے، لکڑی کون سی چلی یہ بھی محفوظ ہے، تندور میں روٹی کیسے لگی یہ بھی محفوظ ہے، چلی کون سی نہیں یہ بھی محفوظ ہے، اتاری کون سی یہ بھی محفوظ ہے، کھلائی کس کو یہ بھی محفوظ ہے، باندھا کیا یہ بھی محفوظ ہے، تقسیم کیا کیا یہ بھی محفوظ ہے، صدقہ کیا کیا یہ بھی محفوظ ہے، زکات کیسے محفوظ ہے، ادا کیسے محفوظ ہے، جہاد کیسے محفوظ ہے، زرہ کیسے پہنی یہ بھی محفوظ ہے، تلواریں کتنی یہ بھی محفوظ ہے، نیزے کتنے یہ بھی محفوظ ہے، لگے کیسے یہ بھی محفوظ ہے، تلوار کیسے چلائی یہ بھی محفوظ ہے، تلوار کیسے چلی یہ بھی محفوظ ہے، زخم کتنے آئے یہ بھی محفوظ ہے، لگے کہاں یہ بھی محفوظ ہے، خون کیسے نکلا یہ بھی محفوظ ہے، بہا کیسے یہ بھی محفوظ ہے، نکلا کتنا یہ بھی محفوظ ہے، درد تکلیف کتنی ہوئی یہ بھی محفوظ ہے، ساتھی کتنے ہیں محفوظ ہیں، دوست کتنے ہیں محفوظ ہیں، اپنے کتنے ہیں محفوظ ہیں، بگاڑے کون ہیں محفوظ ہیں، قرآن کیسے اترا محفوظ ہے، لکھا کیسے محفوظ ہے، پڑھا کیسے محفوظ ہے، ذکر کس کا ہے محفوظ ہے، آ پوچھ پوچھ تیرا کام ہے، جواب دینا صحابہ کا کام ہے، تو کہتا ہے نماز روزہ دین محفوظ ہے، میں کہتا ہوں نبی کی ہر ادا قول فعل عمل سیرت سورت طبیعت نیت شریعت بیوی ازواج بنان خاندان قوم قبیلہ رنگ فضا ہوائیں قدم جوتے لباس پگڑی زرہ تلوار نیزہ گھوڑا اونٹنی ہر چیز محفوظ ہے، بتا یہ محفوظ کرنے والے کون ہیں، کون ہیں، کون ہیں، میں نے اسی لیے کہا تھا جن کا دل ہے وہ رہیں، جن کا نہیں ہے بلے چلے جائیں، کل کوئی پوچھے گا کیا ہوا کہہ دینا مسئلہ دل کا تھا، لوگوں صحابہ مسئلہ دل کا ہے، دل کا، دل بند تو ہر چیز بند ہے، صحابہ ہمارے دل میں دھڑکتے ہیں، صحابہ ہمارا وجود ہے، صحابہ ہماری روح ہے، صحابہ ہماری عزت ہے، صحابہ ہماری عصمت ہے، صحابہ ہماری پہچان ہے، صحابہ ہمارا خاندان ہے، صحابہ ہماری عزت ہے، صحابہ ہمارا قبلہ ہے، صحابہ ہماری آرزو ہے، صحابہ ہماری خواہش ہے، صحابہ ہماری تمنا ہے، صحابہ ہمارا دل ہے، دل ہے، دل ہے،
वाह 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 सहाबा 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 वाह सब कुछ बता दिया वाह सहाबा वाह सब कुछ सिखा दिया वाह सहाबा वाह सब कुछ लिख दिया वाह सहाबा वाह सब कुछ बता दिया वाह सहाबा वाह सब कुछ चमका दिया वाह सहाबा वाह इस्लाम पहुंचा दिया वाह सहाबा वाह अजान पहुंचा दी वाह सहाबा वाह कलमा पहुंचा दिया वाह सहाबा वाह दीन पहुंचा दिया वाह सहाबा वाह सीरत पहुंचा दी वाह सहाबा वाह फजीलत पहुंचा दी वाह सहाबा वाह अल्फाज पहुंचा दिए वाह सहाबा वाह सदाकत पहुंचाई वाह सहाबा वाह अदालत पहुंचाई वाह सहाबा वाह सखावत पहुंचाई वाह सहाबा वाह सखावत पहुंचाई वाह सहाबा वाह शुजाअत पहुंचाई वाह सहाबा वाह सियासत पहुंचाई वाह सहाबा वाह रियासत पहुंचाई वाह सहाबा वाह हुकूमत पहुंचाई वाह सहाबा वाह अदल पहुंचाया वाह सहाबा वाह अमन पहुंचाया वाह सहाबा वाह अजमत पहुंचाई वाह सहाबा वाह ईमान पहुंचाया वाह सहाबा वाह ईकान पहुंचाया वाह सहाबा वाह अकीदा पहुंचाया वाह सहाबा वाह कलमा पहुंचाया वाह सहाबा वाह गैरत पहुंचाई वाह सहाबा वाह जुर्रत पहुंचाई वाह सहाबा वाह हिम्मत पहुंचाई वाह सहाबा वाह किताब पहुंचाई वाह सहाबा वाह दस्तूर पहुंचाया वाह सहाबा वाह मंशूर पहुंचाया वाह सहाबा वाह सत्य पहुंचाई वाह सहाबा वाह रास्ते पहुंचाए वाह सहाबा वाह हिदायत पहुंचाई वाह सहाबा वाह आफताब बने वाह सहाबा वाह मेहताब बने वाह सहाबा वाह रोशनी बने वाह सहाबा वाह किरने बने वाह सहाबा वाह रहबर बने वाह सहाबा वाह रहबरवा बने वाह सहाबा वाह मुकमदा बने वाह सहाबा वाह मुजाहिद बने वाह सहाबा वाह सरदार बने वाह सहाबा वाह सिपाही बने वाह सहाबा वाह शहीद बने वाह सहाबा वाह जन्नती बने वाह सहाबा वाह जन्नती बने वाह सहाबा वाह जन्नत दिखाई वाह सहाबा वाह जन्नत दिखाई वाह सहाबा वाह ईमान बनाया वाह सहाबा वाह अकीदा बनाया वाह सहाबा वाह तफक्कुर दिया वाह सहाबा वाह जज्बात दिए वाह सहाबा वाह हुकूमत दी वाह सहाबा वाह इख्तियार दिए वाह सहाबा वाह 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 उन्वान समझ में आया नहीं आया यही इनकलाब है ये क्या है ये क्या है ये इनकलाब है बात खुल गई है बात वाजी हो गई है एक तरफ गुस्ताख है एक तरफ आशिक है तुमसे पूछता हूँ गुस्ताखों के साथ हो या आशिकों के साथ किसके साथ मेरी माँ और बहनों मेरे नौजवान भाइयों बच्चों और बूढ़ों फ्लैटों में रहने वालों घरों में बैठकर सुनने वालों कुर्सियों में बैठे हुए खड़े हुए लोगों और मेरी आवाज एक एक जिस काम तक पहुंचती है उससे कह रहा हूं देवबंदी हो तब बरेलवी हो तब अहल हदीस हो तब अरबी हो तब अजमी हो तब मुहाजिर हो तब बलोच हो तब पठान हो तब सराकी हो तब सिंधी हो तब मेमन हो तब दुनिया के जिस तबकात से तुम्हारा ताल्लुक है ये एजाज है कि सहाबा सबके हैं सहाबा 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 गुस्ताखी करने वालों तुम तन्हा हो सहाबा ना कल तन्हा थे ना आज तन्हा है गुस्ताखी करने वालों तुम अकेले हो और सहाबा के आशिकों के मजमे हैं समंदर और दरिया है दुनिया के हर कोने में मौजूद है पाकिस्तान की हर पाकिस्तानी के दिल में सहाबा धड़कते हैं धड़कते हैं धड़कते हैं इसीलिए तो गुस्ताखे सहाबा इनसे डरते हैं तवज्जो तवज्जो ये भी कोई कहने की जरूरत नहीं है
ये तो जिस जगह देखो वहीं लगी हुई है। वो तो बरस रही है। किसी ने मुझे कहा था इन्होंने कराची में सहाबा पर लानत की है। मैंने कहा तुम फिक्र मत रहो, यहाँ कोई जंगल का कानून थोड़ा ही है। पाकिस्तान में डाकिया का निजाम इतना मजबूत है, गलत एड्रेस पर चीज भेजोगे वापस आ जाएगी। जान निजाम ही इतना जबरदस्त है, गलती का तस्वीर ही नहीं, वहां तुम पूछोगे कहीं और हो जाएगी। मैंने कहा मैं जिना रोड से जिंदर लानत भेजी थी, मैंने उनके मजमे में लगी हुई देखी थी, कैसी देखी थी, कैसी देखी थी, आपने देखी थी नहीं देखी थी? किसी ने कहा क्या हो गया? मैंने कहा वापस आ गई, वापस आ गई, वापस आ गई। कहा कहां से वापस आ गई? मैंने कहा जहां भेजी थी वो तो रहमत ही रहमत बरस रही थी। जब पहुंची पता चला एड्रेस गलत है, पता गलत है, गलत एड्रेस गलत पत्ते से वापस पलटी। जिस एड्रेस से गई थी उसी एड्रेस पे वापस आकर उसके मुंह पे ऐसी लगी कि आज तक किसी को नजर नहीं आया। मैंने कहा क्या कहा है? कहा लानत के साथ चला गया। वो रहमत के मुस्तहिक है वह लानत जाती, और जो लानत के मुस्तहिक है बेजो रहमत तक भी नहीं जाती। आशिकों के साथ हो गुस्ताखों के साथ, गुस्ताखे नबी का बैकाट करोगे, गुस्ताखे सहाबा का बैकाट करोगे। और आज के जलसे में आपको इस खुशखबरी सुना रहा हूं, और वो खुशखबरी ये है कि आपकी तालीम के लिए एक किताब का इंतखाब करके उसके ऊपर एक मुकदमा बनाकर उसे लिखने की तरतीब शुरू कर दी है। हमारे उलमा ने उस पर काम शुरू कर दिया है। इंशाल्लाह दो या तीन हफ्तों के बाद हम आपके हाथों में किताब थमा देंगे जिसमें सहाबा की किस्से और वाकयात होंगे। आप तो वाकयात अपने घरों में तालीम करोगे, उसकी दुकानों में करोगे, बाजारों में करोगे, चौकों चौराहों में करोगे, चौकों चौराहों में करोगे, घरों में करोगे, दफ्तरों में करोगे, मिलों में करोगे, फैक्ट्रियों में उसकी तालीम करोगे, मदरसों मस्जिदों खानकाहों में करोगे, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों में करोगे, अस्पतालों में करोगे। वो किताब आपके हाथ में होगी, उसमें सहाबा के तस्करे होंगे। हम इस उम्मत के हर हर बच्चे के दिलो दिमाग में सहाबा बिठाएंगे, औरत और मर्द के दिलो दिमाग में सहाबा बिठाएंगे, अफसरों दुनिया के लोगों में के दिलों में सहाबा बिठाएंगे, हम पुलिस फौज के जेलों में सहाबा बिठाएंगे, ताजरों मजदूरों मुलाजमों के दिलों में सहाबा बिठाएंगे। इतनी सहाबा सहाबा बिठा देंगे जिस सबके का गुजर होगा हर जबान से निकल रहा होगा वाह सहाबा वाह। और मैं जुमला मोहब्बत में कहा करता हूँ, आपसे भी कहता हूँ, आप इतनी वाह सहाबा करेंगे, हर सवाल का जवाब है, हर एतराज का जवाब है। कौन एतराज करने वाला, किस पे एतराज कर रहा है? हम एतराज सुनते ही नहीं, हमारा जवाब क्या है? क्या जवाब दोगे? वाह सहाबा वाह। आज भी तेरा दुश्मन चीख रहा है वाह सहाबा वाह, आज भी बग बग इसकी बंद नहीं हुई वाह सहाबा वाह, आज भी इसके दिल में जलन है वाह सहाबा वाह, आज भी तेरे दुश्मन को तकलीफ है वाह सहाबा वाह, आज भी वो तड़प रहा है वाह सहाबा वाह, आज भी उठा है खंजर वाह सहाबा वाह, आज भी लगा उसके सीने पे वाह सहाबा वाह, आज भी निकले उसका खून वाह सहाबा वाह, आज भी है वो रोड पे वाह सहाबा वाह, आज भी है वो चौक पे वाह सहाबा वाह, आज भी उसकी जबानों को लगेगा ताला वाह सहाबा। और जवाब के वाह सहाबा वाह की आवाजें गूंजेगी, तवज्जो, आवाजें गूंजेगी दरों दीवार पे, मोटरसाइकिल पे, गाड़ी पे, दुकान पे, मकान पे लिखा होगा। तो निकलने वाला जब भी निकलेगा अपने घर से उसकी नजरें पड़ेंगी तो क्या पढ़ेगा?
माने या ना माने क्या पढ़ेगा, तंग होगा, मेरे थाने के दोस्तों के पास जाएगा, रेंजर्स के पास जाएगा, अफसरों के पास जाएगा और जाकर कहेगा ये लोग मेरे खिलाफ नारे लिख रहे हैं, इन पर पर्चा करो। वो दरखास्त लेकर उससे पूछेगा लिखा हुआ क्या है, तो जवाब क्या देगा? बैठा हुआ अफसर कहेगा ये तो मैं भी कहता हूं, और जब वहां से बाहर निकलेगा आंखें झुकी हुई होंगी, चेहरा जर्द होगा, तबीयत खराब होगी, हाथों पे लर्जा होगा, हवाओं का खुरूज होगा, वजू टूटा हुआ होगा, और थके हांदे दिल के साथ, शिकस्ता चेहरे के साथ, झुकी हुई निगाहों के साथ, अफसरदा वजूद के साथ घर में दाखिल होगा। दरवाजा खोलकर उसकी घर वाली पूछेगी क्या हुआ, जवाब क्या देगा? कहोगे गुस्ताखे नबी का, गुस्ताखे साहबा का, गली में तब, बाजार में तब, दुकानदार है तब, ताजिर है तब, रिश्तेदार है तब, भाई है तब, दोस्त है तब, अगेरा गेरा नथु खेरा जो भी है उससे क्या है? हाथ मिलाओगे, मुस्कुराओगे, गले लगाओगे, शादी में जाओगे, जनाजे में जाओगे, निकाह में जाओगे, चावल भेजोगे, चावल खाओगे, बिरयानी लोगे, खुशियां करोगे, साथ घूमोगे, हाथों में हाथ डालोगे, सीने से सीना लगाओगे, वजूद से वजूद मिलाओगे, लबों से मुस्कुराओगे। नहीं नहीं बाबा नहीं, ना बाबा ना, ना बाबा ना, ना 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 बाबा ना, अब नहीं होगा। क्या करोगे? ये मेहनत करोगे, मुल्क के हर फर्ज से मोहब्बत करोगे, पाकिस्तान की तरक्की की किरदार अदा करोगे, पाकिस्तान से मोहब्बत करोगे, रियासत से मोहब्बत करोगे, रियासती इदारों से मोहब्बत करोगे। अगर आपने सोच लिया तो मुझे कहने दो, इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेज मौजों से वो घबराए नहीं करते।